खुदा बाप और बेटे रूह कुदस के नाम में आमीन। हमारे लिए आज की तलावत मुकदस पौलुस रसूल का दूसरा खत कुरिन्थियों के नाम उसके आठवें बाब की पहली आयत से नौवीं आयत तक तलावत समाप्त फरमाएं। और ए भाइयों, हम तुम्हें खुदा का फजल जताते हैं जो मकदूनिया की कलीसियाओं पर हुआ है कि मुसीबत की बड़ी आजमाइश में उनकी बड़ी खुशी और सख्त गरीबी ने उनकी सखावत की दौलत को बहुत बढ़ाया है, क्योंकि मैं गवाह हूँ कि उन्होंने मकदूर भर दिया बल्कि मकदूर से भी ज़्यादा अपनी खुशी से और बड़ी मिन्नत के साथ उन्होंने हमसे दरख्वास्त की कि मेहरबानी करके हमें मुकद्दसों की खिदमत में शरीक करो और हमारी उम्मीद से भी बढ़कर अपने आप को पहले खुदावंद के और फिर खुदा की मर्जी से हमारे सपुर्द कर दिया। इस वास्ते हमने तीतुस से ये दरख्वास्त की कि जैसा उसने शुरू किया था वैसे ही तुम्हारे दरमियान भी खैरात के इस काम को पूरा करे, और जिस तरह तुम हर बात में ईमान और फसाहत और इल्म और पूरी सरगर्मी और उस मोहब्बत में जो हम से रखते हो सबकत ले जाते हो, उसी तरह खैरात के इस काम में भी सबकत ले जाओ। मैं हुक्म के तौर पर नहीं बल्कि औरों की सरगर्मी से तुम्हारी मोहब्बत की सच्चाई आजमाने के लिए ये कहता हूँ, क्योंकि तुम हमारे खुदावन यीशु मसीह के कर्म को जानते हो कि वो दौलतमंद होकर तुम्हारी खातिर गरीब बन गया ताकि तुम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद बन जाओ। कलाम अक्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो।